हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? अवंतिका। अवंतिका जी, कितने दिन हो गए आज आपको लर्न करते हुए? 11-12, मतलब 11 और 12, ये हो गए 23 डेज हो गए, मतलब 11 से 12 दिन, है ना? ठीक है। तो आज हम लोग चल रहे हैं थोड़ा ट्रैफिक में, सिंगल रोड के ट्रैफिक में। थोड़ा स्लो करके सीधा चलना है, हल्का लेफ्ट दबाओ, हाँ गुड। अब यहाँ पे हल्का राइट दबाओ। अब इन सब जगह क्या है ना, सिंगल रोड है और ये था चौराहा, तो लेफ्ट से भी लोग आ जाते, राइट से भी आ जाते। तो चौराहे पे हमें कार को कौन से गियर में करके निकालना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड में? स्लो करना चाहिए फर्स्ट में भी आपने कार 10 माइनस है ना। अगर आप सेकंड गियर में है तो भी आप स्लो करके निकाल सकती हैं, हाफ क्लच लेके, हल्का ब्रेक लेके। अगर आप फर्स्ट गियर में ऑलरेडी है तो चौराहे को फर्स्ट गियर में क्रॉस कर सकती है। अगर आप सेकंड गियर में तो आपको गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको क्लच को डाउन कर लेना। देखो सामने एक्सीडेंट हो गया है, देख रहे हो, हल्का सा लेफ्ट आओ। ये देखो दोस्तों, ऐसे होता है एक्सीडेंट। स्लो करके पहले गियर में करो, क्लच दबा के पूरा क्लच दबाओ, पहले गियर में करो। हाँ चलो, हाँ न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर, हाँ चलो जाओ, धीरे धीरे जाओ, ब्रेक छोड़ो, हल्का राइट रखो, राइट राइट है और राइट, चलो खिसकाओ धीरे धीरे, हॉर्न दो लंबा, हॉर्न दो लंबा। दोस्तों यहाँ पे हो चुका है एक्सीडेंट, देखिए ये देखो, लगा यहाँ पे जाम, तगड़ा कर दिया एक्सीडेंट। धीरे 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 चलो, हल्का लेफ्ट आओ, बढ़ाओ धीरे धीरे, चलो चलो गुड गुड, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, चलो 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 चलो, हटाओ हॉर्न, दो इसको हॉर्न, चलो खिसकाओ जाओ धीरे से, चलो 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 चलो, हल्का राइट दबाओ, राइट राइट और राइट और राइट दबाओ, और राइट दबाओ, थोड़ा सा और दबाओ राइट, लेफ्ट आओ, हल्का लेफ्ट और लेफ्ट आओ, हल्का राइट रखो, राइट राइट राइट, चलो 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 चलो, धीरे 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 धीरे, हाँ चलो हल्का राइट दबाओ, इसको निकलने दो, हॉर्न दो, चलो 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 जाओ, स्पीड मेंटेन करो, चलो गुड, बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ, वेरी गुड। अभी आपको कुछ समझ में आया यहाँ सीन क्या था, पता चला? वो जो बाइक वाला था वो इतनी पिए है कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, देखा, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। ये जो लड़की जा रही है मेरी सिखाई है, गवर्नमेंट टीचर है प्राइमरी की। अभी स्पीड बढ़ा के सेकंड गियर करो, क्लच दबा के जल्दी से, राइट रखो, राइट राइट, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, हाँ स्लो करो, हाँ लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ हल्का राइट रखो, क्लच दबा के पहले गियर में करो, चलते 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 चलते, गुड वेरी गुड, चलो हल्का हल्का हॉर्न देते रहो, हाँ हमें लेफ्ट चलना है, लेफ्ट खिसकाती रहो धीरे धीरे, चलो 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 चलो, हल्का रेस लो, रेस अपना लेफ्ट, आराम आराम से, हाफ क्लच पे, यहाँ पे हाफ क्लच पे गाड़ी चलेगी। फर्स्ट गियर में भी आप पूरा क्लच रिलीज नहीं कर सकती है, ठीक है, चलो धीरे 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 धीरे, बाइक वाले छूनी नहीं चाहिए, अपना लेफ्ट दबा लो, चलो गुड गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बम्फर टू बम्फर कार को निकालते हैं, और लेफ्ट आओ, समझ रहे हैं? पूरा रास्ता देखो ब्लॉक हो गया इतनी देर में, हॉर्न, चलो हाफ क्लच पे हल्का एक्सीलेटर लेके, जब कभी ऐसी सिचुएशन में गाड़ी रुक जाए लेफ्ट आओ, ऐसी सिचुएशन में गाड़ी कभी रुक जाए तो आपको क्या करना है, हाफ क्लच लेके हल्का सा एक्सीलेटर ले लो, चलो राइट दबाओ, स्पीड मेंटेन करो, इसको बीच में लो दोनों टायरों के, चलो अभी स्पीड मेंटेन करो और क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट। पहले ना अवंतिका जी पूरा क्लच दबाया करिए, फिर जब पूरा क्लच दब जाए फिर गियर को टच किया करिए। कई बार आप क्या करती, गियर पहले खींच देती और पूरा क्लच नहीं दब पाता, हाफ क्लच पे गियर लगाने लगती तो गियर आपका टाइट लगता है, ठीक है? तो पहले 100% क्लच दब जाना चाहिए, फिर उसके बाद ही गियर को टच करो। पहले जब कभी कोई लॉक खोलते हो तो क्या करते हो, पूरी की को जब पहले लॉक पे बैठा लेते हो उसके बाद ही तो की घुमाते हो, तो उसी तरीके से गियर भी है। स्लो, स्पीड कम करो, हल्का लेफ्ट आओ, राइट रखो, राइट और राइट, लॉन्ग हॉर्न पुश करना क्योंकि यहाँ पे कब कौन कहाँ से आ जाए, चलते रहो धीरे धीरे, हल्का राइट रखो, राइट बस लेफ्ट आओ, गुड चलो धीरे धीरे खिसका लो, स्पीड मेंटेन करो, वाओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पासिंग डिपर भी यूज किया करो, हल्का राइट रखो, राइट राइट राइट, नहीं उसकी धनिया मिर्ची सब बिक जाएगी। पासिंग डिपर किसे कहते हैं इसको, ये देखो, ये भूल गई मैडम, ये इसको ऊपर, इसको देखो हल्का सा, इसको ये ऊपर उठाओगे तो ये देखो लाइट ब्लिंक करती है यहाँ पे, समझ गए? चलते रहो धीरे धीरे, हल्का राइट रखो, राइट 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 रखो, राइट राइट लेफ्ट आओ, हॉर्न हॉर्न हॉर्न, चलो धीरे धीरे, चलो बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, राइट रखो, राइट राइट राइट,
वेरी गुड इवनिंग, 6:30 पे बाहर मिलो पीपड़ के पेड़ के पास, चलो ठीक ठीक 10:90 पे, तब तो आपको टाइम लग जाएगा पहुंचने में। राइट ऊपर, राइट 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 राइट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, लेफ्ट वाल का लेफ्ट, हाँ चलते रहो धीरे धीरे, राइट रखो हल्का सा, हाँ हॉर्न क्लच ब्रेक पे पैर रखो, सामने देखो अंकल जा रहे हैं, हाँ धीरे हल्का राइट दबाओ, थोड़ा राइट दबाओ, चलो बढ़ाओ बढ़ाओ, जल्दी से निकालो, हाँ अब लेफ्ट आओ फटाफट, बस अब राइट रखो, राइट राइट आराम से, चलो चलो जाओ, गुड गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अपना लेफ्ट आओ, हॉर्न हाँ राइट रखो, गजब, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो, यही कलाकारी है अवंतिका जी, जिसने एक सिंगल रोड पे कार को चला लिया बिना टकराए, बिना किसी को बोनेट पे बैठाए, समझ लो प्रो हो गया। डिवाइडर रोड पे चलाना बहुत आसान होता है क्योंकि सामने से कोई खतरा नहीं होता है। हॉर्न हल्का राइट रखो, हाँ लेफ्ट आ जाओ धीरे से, गुड बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लेफ्ट वाले आरबीएम को रिकॉल करते रहना, इसमें आपको दिखता रहेगा कि आपके लेफ्ट में कितनी जगह बची हुई है। हॉर्न अब ऐसे भी नहीं देखना लेफ्ट वाला ओआरबीएम की, इसी को देखते रह जाओ और आगे किसी को बोनेट पे बिठा लो आप, है ना, सिर्फ नजरें टेढ़ी करनी है, हल्का सा आंखों की जो पुतलियां हैं वो टेढ़ी करनी है, समझ रहे हो, उससे ज्यादा नहीं, अभी चलते रहो धीरे धीरे, स्पीड मेंटेन करो, गुड, जहां पे आपको लगे खाली वहां हल्का एक्सीलेटर ले लिया करो, जहां पे आपको लगे कि नहीं ट्रैफिक है वहां पे ब्रेक पे पैर ले आया करो। अभी आप 70-80% ड्राइविंग सीख गए हैं, बट अभी बहुत सारी छोटी छोटी कमियां हैं, जहाँ पे ट्रैफिक होता है ना वहाँ पे आप भूल जाती हैं कि गियर बदलना है हमें, सेकंड गियर में गाड़ी अगर आप चला रही हो और गाड़ी किसी कारण रोकी तो रुकने से पहले आपका फर्स्ट गियर हो जाना चाहिए, ताकि जब वापस आप उसको मूव करें तो कार का इंजन बुझ ना जाए। आप सेकंड गियर में गाड़ी को रोक के सेकंड गियर ही कर देती हूँ, देखो आराम से, हाँ बस हल्का लेफ्ट आओ, देखो 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 मैडम की हालत देखो, वो देखो पीछे भी बम्पर उखड़ा है आगे भी बम्पर उखड़ा है, चलो जाओ धीरे से खिसकाओ, चलो जाओ हल्का से रेस लो, खिसकाओ, चलो राइट दबाओ, अपना लेफ्ट आओ, नहीं भी छू जाएगी तो कहेंगी हमारी बढ़ा दी हो, लेफ्ट आओ, देखो पहले से इनका बम्फर वम्फर उखड़ा है, चलो बढ़ाओ स्पीड, आ जाओ रेस लो हल्का सा। अब देखो फिर वही सेम गलती करी, क्या गलती करी बताओ, गियर ही नहीं चेंज करती हो आप, मैंने कितनी बार आपको ये चीज सिखाई है, आप कोई ऑटोमेटिक गाड़ी थोड़ी चला रही हो, अब इसकी वजह से आप ट्रैफिक में गाड़ी नहीं चला पाओगी, आपकी गाड़ी बार बार इंजन बुझ जाएगा, जितनी बार आप गाड़ी रोक के बढ़ाओगे उतनी बार आपकी गाड़ी का इंजन बुझ जाएगा, क्योंकि देखिए आपकी कैपेसिटी 10 kg वेट उठाने की आपको दे दिया गया, 50 kg पॉसिबल है, ये हमेशा आप गलती करती हो, जब आपने गाड़ी रोकी है तो रोकने के बाद गियर कौन चेक करेगा, गियर कौन चेंज करेगा भाई, नहीं तो आप नहीं करती है ना, फिर ऐसे आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, ऐसे कैसे बोलेंगे मैडम, ऐसे फिर रोड पे जब आप गाड़ी निकालेंगे आपकी गाड़ी 10 बार बंद होगी, लोग पीछे से हॉर्न दे देके आपको डिमोटिवेट करने लगेंगे, हाइपर कर देंगे, जब आप गाड़ी रोक रही तो आपको आपका लेफ्ट हैंड कहाँ होना चाहिए, आपका लेफ्ट हैंड गियर लीवर पे होना चाहिए, आप किसी भी प्रो बंदे को देखो हल्का राइट दबाओ, आप किसी भी प्रो बंदे को देखो उसका लेफ्ट हैंड हमेशा गियर लीवर पे होता है, अब क्यों चेंज करोगे, अभी तो गाड़ी आप गाड़ी जब रोकी आपने, रोकने के बाद आप जब उसको स्टार्ट कर रहे हो, अगर गाड़ी आपकी धीरे धीरे चल रही है तो आपको गियर बदलने की जरूरत नहीं है, अगर आपने गाड़ी को प्रॉपरली स्टॉप कर दिया है तो आपको फर्स्ट गियर करना कंपलसरी है, यही चीज आप भूल जाती हैं। अगर गाड़ी पूरी अगर रुक गई है तो आपको पूरा उसको क्लच, ऑलरेडी तो आपने क्लच दबाई रखा है, राइट रखो हल्का राइट, आपने क्लच तो दबाई रखा था, सिर्फ आपको गियर चेंज करके वापस क्लच को रिलीज करना है, लेकिन उसके लिए आपको याद होना चाहिए स्लो, आपको याद ही नहीं रहता है, हल्का राइट रखो और राइट, अभी लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ लॉन्ग हॉर्न पुश करो, हल्का राइट रखो, हाँ यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न करना है, सिग्नल दो लेफ्ट का, हाँ टर्न करो धीरे धीरे, गुड बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये जो टर्निंग है टर्निंग आप बहुत अच्छे से करती है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से करती है, बस एक ही कमी है आपके अंदर, जब आप गाड़ी रोक के उसके बाद उसको गियर को नहीं चेंज कर पाती टाइमली, करती है लेकिन जब कार का इंजन बुझ गया तो क्या करोगे, है ना, अभी देखा था जो मैडम क्रेटा लेके निकली थी पूरा साइड से उन्होंने छील रखा था, अगर गलती से भी आपकी गाड़ी वहां टच हो जाती तो सारा ब्लेम आपके ऊपर ही आता, क्योंकि वो भी नई नई सीखी है, कहां से सीखी नहीं पता, लेकिन उन्होंने पूरी गाड़ी अपनी राइट साइड से रगड़ रखी थी, पीछे बम्पर उखाड़ रखा, आगे बम्पर उखाड़ रखा है। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा,
और अवंतिका जी ने आज कितने सारे कांड करे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। कौन से कांड करे?